हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंडियन अहमद बॉस के चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम अज्जू भाई के क्वेश्चंस के आंसर का रिप्लाई रिएक्शन दिए हैं। तो गाइस यहां पर अज्जू भाई के रिप्लाई का रिएक्शन दिए हैं। तो गाइस इस वीडियो में बहुत सारे बातें हैं अज्जू भाई के। गाइस अगर आपका दिल इस वीडियो को नहीं देखना चाह रहा तो गाइस नर्म दिल रख के फिर भी एक बार देख लीजिए वीडियो को पूरा देख लीजिए गाइस। और इस वीडियो के एंड में अज्जू भाई के साथ बहस हो चुकी है हमारी और अज्जू भाई की, क्लिप देखिए जी। और गाइस इस वीडियो को शेयर करना ना भूले गाइस। अगर आपका दिल नरम है तो गाइस इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो अच्छी तरीके से डालते। कुछ क्वेश्चंस दिए यहाँ पर, 15-20 क्वेश्चंस, ये मेरे को पूछना है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन मैं सीधा मुद्दे में आता हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट में इस चीज पे ज्यादा लटकाना नहीं चाहता। द लेजेंड भाई, प्रियम भाई, पठान भाई, बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है अज्जू भाई कि फेस रिवील कब होगा। ओ भाई साहब, ये बहुत डेंजर सवाल है। वैसे मैंने ही चूज किया और आपको भेजा है, बट मैं बता दूं मैं फेस रिवील गाइस करने वाला हूँ 2023 के बाद। 2023 या 2025 में मेरा फेस रिवील होगा। तब तक मैंने सोचा भी नहीं कि मैं फेस रिवील करूंगा, बट अभी के लिए मैंने सोचा कि 2023 या 2025 में फेस रिवील होगा। तो जो लोग अपने दिमाग से सोच रहे हो कि यार 10 मिलियन पे भाई करेंगे या 11 मिलियन पे करेंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है गाइस कि मैं 10 या 11 मिलियन पे वो करूंगा फेस रिवील, तो ये कोई सीन नहीं है। तो आप लोग यार वेट करो, 2023 या 2025 तक फेस रिवील मेरा आ जाएगा। तो देख रहे हो गाइस अज्जू भाई कितने शाणे हैं, फेस रिवील के लिए फैंस उनके तड़प रहे हैं। अभी तक उनके 14.5 मिलियन हो गए हैं। तो गाइस अज्जू भाई अभी तक फेस रिवील नहीं करा रहे हैं। अज्जू भाई तुम्हें तो फेस रिवील कराना ही पड़ेगा, फैंस तब तक नहीं चुप बैठेंगे। अज्जू भाई क्या भी बताओ यार, आपको फेस रिवील तो कराना ही होगा, तब तक फैंस आपके सब्र नहीं रहेंगे। आपको तो फेस रिवील बताना ही होगा अज्जू भाई, ये गलत है अज्जू भाई। आपके तो बिना फेस देखे आपके तो 14 मिलियन फैंस हो गए, जबकि ताकि बंदे 5 मिलियन और 4 मिलियन 1 मिलियन वाले बंदे फेस रिवील करा के गेम खेल रहे हैं। अज्जू भाई आपको तो फेस रिवील बताना ही होगा। तो गाइस तब तक फैंस तो नहीं चुप बैठेंगे। चलो गाइस नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। क्यूपिड, पोकर MP40, मैकेनिकल MP40, मैकेनिकल MP40, M1887 और M1014, दो गोली वाला, जो मतलब क्या ही बोलूँ, तो दो गोली वाला। अरे यार आपको जो गन पसंद आती है तो आप वो लेकर खेलो ना, अज्जू भाई से जानकर क्या करोगे। गाइस एक बात बताऊँ, जिसकी लाइफ है वो खुद अपने पसंद से जियो यार, दूसरों के पसंद से मत जियो। ताकि अज्जू भाई से जानकर क्या करोगे, आपके पास 2 MO वाली है तो 2 MO वाली से खेलो अच्छे से, और MP40 होगी तो MP40। आपको जो गन पसंद आती है वही गन से खेलो ना, अज्जू भाई की गन लेकर क्या करोगे। आप भी फ्री फायर खेलते हो अच्छे से, अच्छे जो गन आपको अच्छे पसंद आती है वही गन लेकर खेलो। चलो गाइस नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं अज्जू भाई। गुरप्रीत भाई ने पूछा है कि फेवरेट सिंगर हिंदी एंड पंजाबी। हिंदी के अंदर गुरप्रीत भाई मेरा सिंगर जो फेवरेट है वो अरिजीत सिंह है, और पंजाबी सिंगर के अंदर आप गुरु रंधावा को ले सकते हो, वो मेरा फेवरेट है। मतलब गाइस आप क्या कर रहे हो, अज्जू भाई का सारा डिटेल जान रहे हो क्या? अरे यार सिंगर को लेकर क्या करोगे ये बताओ गाइस। आपकी जो पसंद है ना सिंगर, आपके लिए आपका सिंगर ही अच्छा लगेगा, उनका सिंगर जानकर क्या करोगे। गाइस ये मतलब सही नहीं दिखेगा यार अगर दूसरों की जानकारी काटे तो। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अज्जू भाई का क्या होगा। ये चलो बढ़िया है। दर्श ने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू यू हु आर लेजेंड्स, देव एलोन, जॉन्टी, अमित भाई, रोमियो, मानिया या आपका कोई पसंदीदा? तो आपने इसमें लेजेंड की बात की, तो जो आपने 5-6 नाम दिए, देव एलोन भाई, जॉन्टी भाई, अमित भाई, रोमियो भाई, सभी का नाम मैं लेता हूँ, बट बता दूँ इन सब के साथ एक बंदा कॉमन है जो खेलता है अज्जू भाई करके, वो लेजेंड है। मतलब अज्जू भाई आप खुद की तारीफ आप कर ले रहे हो, मतलब आपकी तारीफ करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। अरे यार अज्जू भाई आपकी तारीफ करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन आपकी तारीफ खुद मत किया करो। कभी भी एक बात सुन लो भाई, आपकी तारीफ खुद मत किया करो, क्योंकि आपकी तारीफ ऐसा करो कि आपकी तारीफ कोई और करे सामने वाला आपका, आपकी तारीफ खुद ना करो, यही बेहतर है आपके लिए। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अज्जू भाई का, ये सबसे बढ़िया बात। ओके चलो, इंस्टाग्राम में आपको पूछते हैं वंदना चौबे जी कि आप PC में खेलते हो या फिर मोबाइल में। वंदना जी मैं
जो गेम है फ्री फायर, वो स्टार्ट मैंने पीसी में खेलना स्टार्ट किया था, मैं पीसी के अंदर ही खेलता हूँ जो फ्री फायर है उसको ज़्यादातर। और रही बात मोबाइल की, तो मैं मोबाइल के अंदर बहुत बार खेल चुका हूँ, मैं मोबाइल के अंदर अच्छी तरीके से खेलना भी जानता हूँ। बट बात वहाँ पे आती है कि तुम लोग भाव देते नहीं, वो पहली बात। मैंने ट्राई किया, मैं मोबाइल में नहीं खेला ऐसा नहीं, मैं मोबाइल में लाइव स्ट्रीमिंग भी किया, काफ़ी अच्छा गेम प्ले भी डाला, बट तुम लोग बोलते हो अजू भाई आप जिसमें खेलते हो उसमें ही खेलो। क्योंकि फिर ऐसा होता है, मैं मोबाइल पे अमित भाई स्ट्रीमिंग करता हूँ ना मोबाइल से, तो मैं इतना ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाता जितना मैं। मतलब गाइस अजू भाई पीसी पे खेलते हैं, सैल्यूट है उन लोगों पर जो गाइस 1 GB रैम और 2 GB रैम 3 GB रैम मोबाइल पे खेलते हैं गाइस। यानी वो बहुत मुश्किल से गेम खेलते हैं वो, पर प्रो प्लेयर होते हैं पर अच्छा से नहीं खेल पाते हैं ताकि क्योंकि उनका मोबाइल हैंग होता है ना। तो गाइस चलो अजू भाई का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आती है PHP हो गई, जावा हो गई, और भी बहुत सारी लैंग्वेज आती है ओके। और इनकम आपने छुपा दिया सर। इनकम में क्या बोलो गाइस, देखो मान के चलो इनकम का मैंने तुम्हें एक अंदाजा देता हूँ, मैं पर मंथ आप मान के चलो मैं 4 से 5 iPhone 11 Pro Max ले सकता हूँ, तो आप हिसाब लगा लो। तो गाइस देखते हैं iPhone 11 Max Pro कितने का आता है। तो चलो गाइस यहाँ पर प्राइस देखते हैं अजय भाई का मंथली इनकम कितना आता है iPhone 11 Pro Max। चलो गाइस यहाँ पर सर्च कर लिया मैंने। वो भाई साहब कितने महंगे फ़ोन है यार, कितनी जन्नत की ज़िंदगी है अजू भाई की। जो मंथली इनकम देखते हो मतलब 4 से 5 मोबाइल खरीद लेते हो, जितनी डॉक्टर की भी और इंजीनियर की भी सैलरी नहीं होती। देख रहे हो गाइस कितनी कितने महंगे। चलो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं अजू भाई का। चलो गाइस 1,17,000 तक है लास्ट, देखते हैं यहाँ पर 5 मोबाइल मार लेते हैं। तो देख रहे हो गाइस वो भाई साहब कितने कितने हैं यार इनकम इनके। वो भाई तुला दे तो पैसा, पैसा साला खोटा, पाऊ साला मोटा। मतलब अज्जू भाई आप बिना फेस दिखा के और बंदों को अच्छे अच्छे वीडियोस डाल के और अपना टैलेंट बता के कितने पैसे कमाते हो देख लो गाइस। ये तो इतना गरीब गरीब अगर दिन से शाम तक मेहनत करे तो 200 कमा लेता है गाइस। तो गाइस देखते हो अज्जू भाई इतना पैसा कमाते हैं फिर भी किसी की मदद करते हैं गाइस। अज्जू भाई इतना पैसा कमाते हैं कि फिर भी किसी की मदद किया है। तो गाइस नूब बंदों को कुछ डायमंड्स वगैरह 1,000 डायमंड 2,000 डायमंड वगैरह दिया है। ये तो अभी तक वीडियो तो मेरे सामने नहीं आया अज्जू भाई का गिवे। तो गाइस मैं तो इतना नहीं जानता अज्जू भाई गिवे करा है या नहीं किसी से। तो गाइस मतलब मंथली इनकम तो देखो यार, बिना फेस दिखाए कोई बंदा इतना कमा सकता है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में। यूट्यूबर और योर फेवरेट डिश। ओके दीपेश भाई मेरा फेवरेट यूट्यूबर है जो अमित भाई के साथ एक अज्जू भाई करके एक होटल की तारीफ। अरे भाई मैं क्या बोलूँ अभी यार, तो वो मतलब ये गलत है अज्जू भाई, फिर से खुद की तारीफ आप भी कर ले रहे हो। मतलब आपकी तारीफ आप ऐसे मत किया करो यार, अपनी तारीफ कोई और करे, अपना दुश्मन अपनी तारीफ करे ऐसे कहो यार। भाई मैं क्या बोलूँ अभी यार, तो वो एक बंदा है जो बहुत ओपी गेमिंग करता है, तो वो मेरा फेवरेट है। और फेवरेट डिश की बात करी जाए तो पानी पूरी और ये सब मैं पसंद करता हूँ, पानी पूरी पिज्जा वगैरह। तो मतलब देखो एक वीडियो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। राजदीप भाई क्वेश्चन करते हैं कि आपका जो वॉइस है वो रियल है या फेक है, मतलब वॉइस पे भी डाउट है। मतलब नहीं मतलब गाइस ये क्या हो रहा है, अज्जू भाई के वॉइस पे भी भरोसा नहीं कर रहे कुछ लोग। अरे यार गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, अज्जू भाई की वॉइस रियल ही है, अज्जू भाई की वॉइस फेक नहीं है गाइस, रियल वॉइस है। और कोई टेंशन ना लो, अज्जू भाई की वॉइस पक्का रियल ही है, ऐसा कोई नहीं है जो फेक वॉइस करता है यूट्यूब में, सभी रियल वॉइस ही करते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर वीडियो डाला हूँ मैं अज्जू भाई के साथ में, कुछ बात करा था, देखो लास्ट में एंड पे वीडियो होगा।